हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज हंड्रेड। आपको बता दूं हथीन के महीन गांव में है, यहां पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बीजेपी के उम्मीदवार पहुंचे हैं। और चलते भैया कहां से रास्ता, एक बार हटना जी भैया थोड़ा रास्ता किधर से आना भाई, कहां से रास्ता इधर से आइए तो देखेंगे जिस तरीके से गाँव की सरदारी जिस तरीके से यहाँ बैठी है वो सरदारी भी दिखाएंगे आपको। किस तरीके से लोग यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर को सुनने के लिए आए हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए तमाम जितने साथी तो देखिए जिस तरीके साथी हमारे साथ जुड़े, आइए आइए कोशिश देखिए। वहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर बोल रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से काम हुआ और किस तरीके से यहाँ पर आप वोट दें। तो अपनी वोट की अपील करने के लिए पहुंचे हैं, लेट नहीं भी तो टाइम पे ही मंत्री जी बोल रहे हैं। खट्टा जी बाबा भैया जी हट जाओगे थोड़ा सा। तमाम देखे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, कोशिश बाबा आप थोड़ा सा डालोगे पैर, आइए बाबा थोड़ा सा जगह दे दोगे, आइए सुनते हैं। चार बार चढ़ाएंगे तभी बाबू ने किराए में भाड़े में तेल में पैसा भरेगा और फिर बाबू बगैर लिए दे देगा, ये भी संभव नहीं है। 100-200 उसके जेब में भी डाले पड़ेंगे। तो मोदी जी ने 50 करोड़ खाते इसलिए खोले कि ना रहेगा बात और ना बनेगी बातरी। दिल्ली से बटन दबाऊंगा सीधा किसान के खाते में जाएगा, बीज का रकम समाप्त कर दिया। नियत सही थी तो नीति सही बन गई। तो इसलिए सारी बातें आप जानते हैं, आपसे ज्यादा अब मैं इतना कहने आ रहा हूं ईमानदारी से। आज खूब सोचो देश के लिए। आज एक पार्टी जो अपने मुद्दे पर, एक पार्टी एक नेता जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की हैसियत रखता है, बीजेपी और मोदी को छोड़ के मुझे एक पार्टी बता दो जो देश में अपने मुद्दे पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना। है कोई? कोई नहीं है, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये प्रदेश का चुनाव है। इसलिए वो सारी पार्टियां मोदी को उतारने के लिए एक होगी, अकेले अकेले के बस की मोदी नहीं। लेकिन कौन एक हुई है? कांग्रेस ने किस किस के साथ समझौता किया है? उनमें से एक है फारूक अब्दुल्ला। जैसे महबूबा मुफ्ती बोलती फारूक अब्दुल्ला वो ही बोलता है। अभी 5 दिन पहले क्या बोला है आप सबने टीवी में अखबारों में देखा होगा। कहता है पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हिंदुस्तान का लीडर, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, कांग्रेस का पार्टनर कहता पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। लेकिन मोदी ने क्या कहा? नहीं पहनी तो पहनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और एक बार नहीं, पाकिस्तान को तो कई बार चूड़ियां पहना रखी है। ये वही पाकिस्तान है जिसके घर में अभी पीछे घुसने मारा था और अभिनंदन जो उनके कब्जे में आ गया था पायलट भारत का, भारत ने छुड़ाने नहीं गया। पाकिस्तान 48 घंटे में खुद भारत की सीमा पर उसको छोड़ ले आया। ये ताकत मोदी को आपकी दी हुई थी। मैं ईमानदारी से देश के बारे में बात करूं। आज कांग्रेस की हैसियत क्या है? पूरे देश में आधी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। और आधी में भी सिर्फ इस कोशिश में है कि 50 से सीटें कम ना रह जाए, बढ़ जाए तो इज्जत रह जाएगी, कम हो गई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सिर्फ इतनी कोशिश कांग्रेस की। और वो अपने कर्मों से मिली है, हमारे अपने कर्म से नहीं मिली, क्योंकि वो घोटाले बार बार
वो दंगा करने वालों को, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगाने वालों को, वो आतंकवादियों को सह देती थी, तो मोदी इनको सजा देता है। आज देश में क्यों नहीं है सारे दंगे, फसाद, बम ब्लास्ट? क्योंकि करने वालों को ये मालूम है कि अगर गड़बड़ की तो दिल्ली में मोदी, यूपी में योगी बैठा है, ऐसा इलाज करेंगे कि कई पुस्तें याद रखेंगे, इसलिए गड़बड़। अब मैं अगली बात कह रहा था, आकलन करो। एक तरफ मोदी है, दूसरी तरफ किसी को मालूम ही नहीं है कौन। भाई ये तो आप जानते हैं, अगर कमल का बटन दबाएंगे, कृष्ण पाल को वोट देंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, सब जानते हैं। क्यों कृष्ण पाल को वोट तो मोदी हो जाएगा। अगर गलती से कहीं और बटन दब गया तो किसी को मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? किसी को मालूम नहीं। किसी को मालूम नहीं, इवन आपको मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पार्टियों से, उनको भी मालूम नहीं है कौन बनेगा और बनेगा कैसे। पहले तो प्रधानमंत्री के लिए झगड़ेंगे, मैं बनूंगा। फिर जो बढ़िया बढ़िया मंत्रालय हैं उनको हड़पने के लिए झगड़ेंगे, मलाईदार जो मंत्रालय हैं। फिर उन मंत्रालयों में पहले की तरह घोटाले करेंगे, फिर जेल जाएंगे, फिर बेल पर आएंगे, देश बहुत पीछे चला जाएगा और जो 14 से पहले देश की स्थिति थी, फिर देश उसी स्थिति में लौट जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं, भाई बीजेपी का चेहरा मोदी है, आप भी देश के लोगों को बता दो, देश के लोग जानना चाहते हैं, मोदी नहीं तो कौन? देश के लोगों को बता दो, फैसला कर देंगे, लेकिन बताते नहीं है। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि जितने चेहरे उनके पास हैं सब जमानत पर आए हुए घोटा, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो जमानत पर बाहर ना हो, इसलिए वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमने चेहरा बता दिया आज मोदी के सामने ये होगा, तो जो लुटिया 4 जून को डूबनी है वो बताते ही डूब जाएगी, इसलिए नहीं बता रही। अब मैं एक बात और, देखिए हम तो गांव के लोग हैं, हमने कोई ऐसी बारात गए, ऐसी बारात में मैं 5 मिनट का काम हो गया। हम खूब बारात करते हैं, सामाजिक ताना बाना है, लेकिन मुझे एक बताओ, हम किसी ऐसी बारात में गए जिसमें दूल्हा ना हो? नहीं गए ना। किसी ऐसी गाड़ी में बैठे जिसका ड्राइवर ना हो? अगर बैठ गए तो क्या होगा बगैर ड्राइवर की गाड़ी में? तो इनके पास तो ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है, और जब दूल्हा नहीं है तो बराती कैसे, और जब ड्राइवर नहीं है तो सवारी कैसे? और हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर, ये मैं नहीं कहता, ये अमेरिका की रेटिंग एजेंसी कहती है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राइवर आज नरेंद्र मोदी है, जिसकी गाड़ी नरेंद्र मोदी जिसकी गाड़ी में बैठकर
हर भारतवासी अपने आप को सोच सकते और करे भी क्यों नहीं। हमारा कोई बच्चा किसी संकट में फंस जाए, मुसीबत में फंस जाए, तो माँ बाप पूरा जी जान लगा देते हैं उसको संकट और मुसीबत से निकालने में। ऐसे ही मोदी ने किया है। जब भी भारत का कोई नागरिक दुनिया में संकट में फंसा है तो मोदी उसको ऐसे ही निकाल के लाता है जैसे माँ बाप अपने बेटे बेटी को निकाल। कोरोना में 1 करोड़ से ज्यादा भारत के लोग दुनिया के देशों में फंस गए थे, हवाई जहाज बंद हो गए थे, 60,000 हवाई जहाज चलाए, सबको निकाल के भारत ले गए। खाड़ी के युद्ध में, सूडान के युद्ध में, वहां मजदूर काम करने वाले, ऐसा नहीं हिंदू मुस्लिम देशों में जाते भारत आए, उनको भी ऐसे ही निकाल के लाया सबको युद्ध चलते हुए। और जीता जागता उदाहरण रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत के पढ़ने वाले 26,000 बच्चे वहां फंस गए। रूस मिसाइल डाल रहा था, रॉकेट डाल रहा था, बम डाल रहा था, गोलियां चला रहा था, तो कहते हैं जातन दातन लागे वातन जाने। जिनके बच्चे उस हालात में थे उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। ये मोदी था जिसने युद्ध विराम कराया 3-4 दिन के लिए और एक एक भारत के बच्चे को वहां से निकालकर उसके परिवार। मोदी की बात ही मानी उन्होंने मुझे, रशिया किसकी बात मानता। और अभी अभी कतर में, कतर मुस्लिम कंट्री है, वहां भारत की सेना के 7 अधिकारियों ने झूठा जासूसी के आरोप में फांसी की सजा दे दी। अभी 15-20 दिन पहले की बात, लेकिन उन सबकी भी फांसी की सजा माफ करा के मोदी निकालकर उनके परिवार तक पहुंचा दिया। ऐसा प्रधानमंत्री आपने देश को दिया। अब बहुत ऐसे उदाहरण है, तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने उदाहरण दे दिए। अब देखिए, बहन की बहुत ऐतिहासिक चौपाल पर बैठी और ऐतिहासिक चौपाल पे बैठे सारे इलाके की सरदारी बैठी। सिर्फ मैं इतना बड़ा बंगला, ऐतिहासिक बंगला, ऐतिहासिक बंगला रावतपाल का, रावतपाल का भाई, सिर्फ मैं इतना जानना। देखिए कृष्ण पाल कुछ कहे, के आर सिंह कहे, परवीन कहे, मनोज कहे, देवदार कहे, कुछ नहीं हो सकता, ये हमारा दिल का मामला है। दिल जो कहता आदमी वो करता है, किसी के दबाव में कोई कुछ नहीं करता। तो मैं यही पूछने आया और मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरे सामने बैठे हो, आंखों की लिहाज होती है, वो नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। आपका मन जो कहता है वही पूछने आया और हाथ खड़ा करके बता रहे। आपका मन क्या कहता है कि मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेगा, बनना चाहिए? मोदी तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मोदी किसी बार गुजर। तो फिर आप ये भी जानते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री तब बनेगा जब आप अपने इस बच्चे और भाई को पहले एमपी बनाओगे, तभी तो मोदी बनेगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक बाबा की अच्छी बात है।
ठीक है बाबा ठीक है। नहीं बाबा ने जन जो जन जो जो जन भावनाएं कह दी है जन भावना है निश्चित हो जाऊंगा। और अंत में इतना कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मुझे मिला है, लेकिन मैं एक बात कहकर बात समाप्त करूंगा कि मोदी आपने ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए दिया, अपना कुछ नहीं। मैं 35 साल से उनके साथ काम कर रहा हूं, 35 साल मैं उनको बहुत नजदीक से जानता हूं और ये भी ऐतिहासिक बदले बता रहा सब कुछ ना कुछ जब दुनिया से जाते हैं परिवार के लिए जोड़ के जाते हैं, लेकिन ये ऐसा प्रधानमंत्री है देखिए सबने एक ने अमर कोई नहीं सबने जाना जब दुनिया से जाएगा तो इसके पास खबरों के अलावा कुछ नहीं है। आपने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिन नारियल पानी पर रहता है जमीन पर सोता है, जो नवरात्रों में पानी पर रहकर 9 दिन व्रत रहता है, जिसका सब कुछ देश के लिए। तो इसलिए जिस आदमी ने पूरा जीवन देश को दिया है हमको 25 तारीख का दिन उसको देना है। अंत में इतना निवेदन करते हुए देखिए गर्मी बहुत है लेकिन हमको और आपको गांव में ये बिजली तो बहुत देर से आई है, हमने तो पूरा जीवन इन पेड़ की छावा में गुजारा है। आप एसी और कूलर पंखे लगे लेकिन आप पूरा जीवन हमारे बुजुर्गों ने पेड़ों के नीचे छाया तो गर्मी हमारा क्या बिगाड़ रही है। तो इसलिए हर वोट डलना चाहिए, कोई वोट छूटना नहीं चाहिए। आपका एक एक वोट इस देश के लिए बहुत कीमती है। और आपने मुझे देखिए जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा था, मैं ऐतिहासिक बदले पर खड़ा हो रहा था, वैसे मुझे भी इस लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पर ऐसे ही भरोसा है। और अंत में इतना कहते हुए देखिए इंसान हूं, कॉलेज से चुनाव लड़ना शुरू किया था 78 से, 46 चुनाव 46 से चुनाव लड़ना 46 साल हो गए चुनाव लड़ते, हो सकता है गलती हो सकती है, बंगले में सारी सरकार अगर मेरे आचरण व्यवहार से किसी को दुख पहुंचा है तो उसके लिए सारी सरकारी से छिपा जाता क्षमा चाहता कि आपके विकास के लिए कोई कसर इस इलाके की लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए बिल्कुल कोई नहीं छोड़ूंगा। और जो सरकार जो मोदी की बना रहे हैं उस सरकार में हिस्सेदारी तो मैं ही दे सकता हूं, कोई और तो नहीं दे सकता ना भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार मोदी की बन रही है हिस्सेदारी कांग्रेस ही दे देगा, ऐसा नहीं है। तो आपके विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, सारी सरकारी को राम राम बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिएगा जिस तरीके से आपको लगातार आपको बता दूं यहाँ काफी कुछ हो गया है, गांव में है हतीन विधानसभा है। तो देखिए जिस तरीके से बाबा थोड़ा सा जिस तरीके से आपको दादू लगातार आप चलते हैं लोगों से भी पूछेंगे किस तरीके से क्या क्या सोचते हैं, कई लोग यहाँ बीजेपी में शामिल। बाबा हटना बाबा थोड़ा सा हट जाओ बाबा थोड़ा सा, तो आइए से यहाँ लगाओ की सरदारी लगातार आपको दादू बहिम गांव के जाते बाबा थोड़ा सा जगह दे दो आपको बाबा बाबा एक बात आओ चलिए पूछते हैं बाबा।
किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी को चल रहा भैया। किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी को। अच्छा अच्छा अच्छा, लोगों से पूछे किसका माहौल चल रहा है? यहाँ बीजेपी का। अच्छा जी, अच्छा तो और लोगों से पूछेंगे बाबा से, आओ चलो बाबा, किसका माहौल है यहाँ पर? मोदी भैया, मोदी बाबा, किसका माहौल चल रहा है? मोदी, मोदी। अच्छा बाबा, किसका माहौल चल रहा है? बढ़िया, किसका चल रहा है? वो बढ़िया, कई चल रहा है। कौन सी पार्टी का चल रहा है? कौन सी पार्टी का? अब पार्टी ठाठे ठाठे यही को चल रहा है। अच्छा ठाठे, अभी तो पता होने लगा बाबा किस किस जगह खड़े हैं। बस सभा में आ गए बाबा, सभा में आ गए। देखिए आई आई, देखिए अच्छा, कितने सारे मासा जुड़े हैं, बने हुए मासा के बहन गाँव है। बहन गाँव में जिस तरीके से गाँव में सफाई लगातार चल रही है, वो देखिए यहाँ पर इस बार गुजर बीजेपी उम्मीदवार का लगातार स्वागत करें तो देखिए जिससे कि गाँव के लोग हैं, 25 मई को जो वोटिंग हो रही है या 4 जून को रिजल्ट आएगा उसका बताएगा कि पक्ष कौन बनता है, किसके